वीडियो का टॉपिक है सम मोर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पिछली वीडियो में हम एडजेक्टिव्स की कई एग्जाम के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स को एक एक्टिविटी की मदद से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। Underline the adjectives in the given sentences and identify their type. हमें कुछ sentences दिए गए होंगे, उनमें से हमें adjectives ढूंढकर उनको underline करना है, यानी उनके नीचे line लगानी है और साथ में ये भी बताना है कि ये adjective की कौन सी type है। तो पहला sentence देखते हैं, These grapes are sour, यानी ये अंगूर खट्टे हैं। अब एडजेक्टिव्स का काम होता है कि वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और इसीलिए एडजेक्टिव्स आमतौर पर नाउन से पहले आते हैं। तो अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ग्रेप्स जो है ये नाउन है, यानी यहाँ पर ग्रेप्स के बारे में बात की जा रही है और इन ग्रेप्स की तरफ इशारा करने के लिए दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या होगा? दीज। दीज है एक एडजेक्टिव और अब हमें ये बताना है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है। तो ये है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तमाम अंगूरों के खट्टे होने की बात नहीं हो रही बल्कि एक ख़ास किस्म है जिसकी तरफ दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इशारा किया गया है। तो ऐसे अल्फाज जिनकी मदद से किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया गया होता है उनको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है, ईच बॉय गॉट अ टिकट। ईच बॉय यानी कि हर लड़का गॉट अ टिकट, यानी टिकट मिला। ईच बॉय गॉट अ टिकट, हर लड़के को टिकट मिला। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बॉय के बारे में, और बॉय एक नाउन है। बॉय से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है ईच। यहाँ पर टिकट पाने वाले हर लड़के का नाम नहीं लिया गया बल्कि सिर्फ इस लफ्ज़ ईच की मदद से ये बता दिया गया कि हर लड़के को टिकट मिला। तो ईच है एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि हर लड़के के लिए ईच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस है, दिस इज हर कोट, यानी ये उसका कोट है। यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन है कोट। और कोट किसकी मलकियत है या किससे ताल्लुक़ रखता है? हर कोट यानी कि उस लड़की का कोट। तो नाउन से पहले जो लफ्ज़ है वो है हर, और हर है एक एडजेक्टिव और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है मलकियत या पोजेशन जाहिर करने के लिए। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक चाइनीज़ फूड, यानी मुझे चीनी खाना पसंद है। यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? फूड यानी खाने के बारे में। और खाना कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? खाना चाइनीज़ है यानी चाइना से ताल्लुक़ रखता है। अब चाइनीज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि चाइना से बना है, चाइना से बन गया चाइनीज़। और चाइनीज़ है यहाँ पर एक एडजेक्टिव और हमने ये पढ़ा था के ऐसे एडजेक्टिव जो कि एक प्रॉपर नाउन यानी किसी ख़ास शख्स चीज़ या जगह के नाम से बनते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो चाइनीज़ यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। अक्रम इज़ अ क्लेवर बॉय, यानी अक्रम एक चालाक लड़का है। यहाँ पर अक्रम की क्वालिटी यानी खूबी या खामी के बारे में बताया जा रहा है। क्लेवर होना यानी चालाक होना खूबी भी समझा जा सकता है और खामी भी। तो क्लेवर का लफ्ज़ चूंकि एक क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई बॉट
two new dresses, यानी के मैंने दो नए जोड़े खरीदे. तो इस सेंटेंस में बात हो रही है ड्रेसेस की, यानी कपड़ों की. और अहम बात यह है कि यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है, टू ड्रेसेस की तादाद बताने के लिए और न्यू ड्रेसेस की क्वालिटी बताने के लिए कि वो नए हैं. तो हमें चूंकि इन सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है, तो हम टू और न्यू दोनों को अंडरलाइन कर देंगे और साथ में हमें इनकी टाइप भी बतानी है. तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि किसी चीज़ के नंबर के बारे में बताते हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी चीज़ की खूबी या खामी के बारे में बताते हैं या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है. तो इस सेंटेंस में जो दो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट सेंटेंस है, विच कार डू यू लाइक मोर, यानी कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है. इस स्टेटमेंट में कार यानी कि गाड़ी के मुतल्लिक सवाल पूछा जा रहा है. तो हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि विच, उन अल्फाज को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है. तो यहाँ पर विच क्या है, विच है एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. Many students were absent today. यानी बहुत से students आज गैर हाजिर थे. इस सेंटेंस में बात हो रही है students की, और students से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है many, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि students की तादाद कितनी है. तो many adjective of quantity है. और इसके साथ ही ये exercise मुकम्मल हो गई. Video में हमने kinds of adjectives के मुतल्लिक एक एक्सरसाइज की है. इन kinds of adjectives के बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.